ओम शांति। 13 फरवरी। संसार में सभी लोग शांति की तलाश में हैं, भगवान से भी शांति मांगते हैं, सदा उनके मुख पर यही रहता है, मन की शांति चाहिए, मन बहुत अशांत रहता है। तो बाबा कह रहे हैं, पहले तो ये सब भी गलत है, कहना चाहिए आत्मा को शांति चाहिए, और विधि है आत्मा हो जाना, अशरीरी हो जाना, स्वधर्म में स्थित हो जाना। देहभान में आने से ही अशांति होती है। देहभान में आके कहीं मोह जागृत होता है, कहीं लोभ, कहीं क्रोध, कहीं काम, उनसे अशांति हो जाती है। तो अगर हम स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे तो चित्त शांत होने लगेगा, आत्मा शांत हो जाएगी, मन भी धीमा चलने लगेगा, अनेक चिंताएं, तृष्णाएं या डर या तनाव सब समाप्त होने लगेंगे। तो हमें अशरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, ऐसे देह मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस की जाए। यथार्थ योग की विधि भी यही है। पहले हम स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करें, फिर निराकार परमात्मा से बुद्धि योग लगाएं। इससे ही बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पतित से पावन बन जाओगे और तुम विकर्मा जीत बन जाओगे। देखिए, एक है विकर्म नष्ट होना और दूसरा है विकर्मा जीत, आगे भी हमसे कोई विकर्म ना हो, हम पुण्य आत्मा बन जाएं। तो पास्ट के विकर्म भी हमने जीत लिए, नष्ट कर लिए, और आने वाले समय में भी हम विकर्मों पर विजय पाते रहेंगे, हम श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे, ये स्थिति योग से आ जाएगी। बाबा कहते, भारत का ये राजयोग बहुत ही मशहूर है, इस राजयोग से ही भारत स्वर्ग बनता है। सचमुच भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ देवी देवताओं का राज था। लक्ष्मी नारायण के चित्र दिखाते हैं, देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं, तुम पूछ सकते हो ये देवी देवता कब थे, किसने इनको ये राज दिया था, कहाँ चला गया इनका ये राज, फिर से कैसे ये देवता बन सकते हैं। तो इस तरह का ज्ञान चिंतन, ज्ञान देना तुम्हारे पास होना चाहिए। बाबा बहुत अच्छी बात आज हम सब के लिए उपयोगी बात कह रहे हैं, योग तुम्हारा सहज हो जाए उसके लिए क्या क्या चाहिए। 3 बातें बाबा ने की हैं। एक तो सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस बहुत करो तो योग अच्छा होगा। दूसरा, तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा रहे। और तीसरा, जो भविष्य प्राप्ति है वो स्मृति में रहे, उसकी खुशी बनी रहे। हम क्या बनने वाले हैं, बाबा हमें क्या दे रहा है, ऐसी राजाई देता है सतयुग की, सारा आकाश, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमारी हो जाती है। हमें बहुत नशा होना चाहिए, सदा एक खुशी रहे कि राजयोग से बाबा हमें इतनी बड़ी प्राप्ति करा रहा है। तो योग अच्छा लगने लगेगा, बाबा से प्रेम हो जाएगा, जो हमें इतनी बड़ी प्राप्ति करा रहा है, अखुट, अटल, अखंड, निर्विघ्न, ऐसा साम्राज्य हमारे लिए स्थापित कर रहा है, उसे हमारा बहुत प्यार हो जाएगा और हमें योग लगाना सरल हो जाएगा। और तीसरी बात जो थी, ज्ञान का नशा चढ़ा रहे, ज्ञान चिंतन भी हो, ज्ञान का स्मरण भी हो, ये ज्ञान अमृत है। बाबा कह रहे हैं, जैसे शराबी लोग शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, तुम तो अमृत पीते हो, अमृत मंथन करते रहेंगे तो तुम्हें ज्ञान का भी नशा चढ़ता रहेगा। कौन मिला है, कौन आया है, वो हमें क्या दे रहा है, तो इससे योग सहज हो जाएगा। बाबा कहते, मैं तो आता हूँ, तो मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें पावन बनाओ, तो मेरी यादगार में शिवरात्रि भी मनाते थे, मैं आता हूँ, इसकी यादगार शिवरात्रि तुम मनाते, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन दुनिया में लोग यही नहीं जानते कि शिव आते कब हैं और
कैसे आते हैं और क्या आकर करते हैं, यही बात हम सबको संसार को बतानी है। और तुम कहते थे कि दुखों से छुड़ाओ, पावन बनाओ, घर ले चलो, किसने तुम्हें दुखी बनाया? आज बाबा की इस पर भी विस्तार से चर्चा है कि रावण ने तुम्हें दुखी बनाया, रावण ने तुम्हें पतित बनाया, रावण को तुम रोज हर वर्ष जलाते आए, कथाएं सुनते आए रोज उसकी, राम की कथा, रावण वध, कितनी कथाएं हैं रामायण में। किसी को भी ये पता नहीं कि ये रावण हम सबका शत्रु है, केवल ये राम का शत्रु नहीं था, केवल उसने सीता का हरण नहीं किया, सभी आत्मा रूपी सीताओं को अपने वश में कर लिया है, उनका हरण कर लिया है। तो ये रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो मनोविकार हैं, इनको ही रावण कहा जाता है। यही मनुष्य को दुखी करते हैं, यही पावन देवताओं को पतित बनाते हैं। तो हमें इस पर ही विजय प्राप्त करनी, इसको समूल नष्ट करना है। उसके लिए चाहिए हमें बहुत अच्छा योग बल। तो हम योग बढ़ाते चले अपना। योग की बाबा ने बहुत अच्छी विधि बता दी, ईश्वरीय नशा, ज्ञान का नशा हमें चढ़ा रहे तो योग सहज हो जाएगा, हमारे विकर्म भी नष्ट होंगे। तो बाबा फिर याद दिला रहे हैं, तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा रहना चाहिए। ये अमृत मिला है तुम्हें, मैं तुमको अमृत पिला रहा हूँ, ये नशा तुम्हारा कभी उतरना नहीं चाहिए। तो हमारे चेहरों पर, हमारे बोल में वो ईश्वरीय नशा हमें दिखाई देता रहे, दूसरों को भी दिखाई देता रहे, अनुभव होता रहे। वरदान बहुत ही गहरा है, अपनी संपूर्णता की लाइट के द्वारा हमें संसार से अज्ञान का पर्दा हटाना है, तब सतयुग आएगा, तब प्रत्यक्षता होगी। तो हमें संपूर्णता की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ाने हैं। संपूर्णता के प्रकाश से ही जग से अज्ञान का अंधकार दूर होगा। बाबा कह रहे, तुम संसार में सुख शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तुम संसार में सबको राह दिखाने के निमित्त हो। तो बड़े बड़े कार्यों की बाबा हमें याद दिला रहे हैं, इसलिए हमें संपूर्णता का प्रकाश अपने अंदर भरना है, तब हम सर्च लाइट बन जाएंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे और हम सारे संसार को राह दिखा सकेंगे। हमें माया और प्रकृति के आकर्षणों से मुक्त रहना है, तब सदाहर्षित रहेंगे। जिनको खुशी नहीं रहती, वो आज के स्लोगन पर ध्यान दें, खुशी तब रहेगी जब माया और प्रकृति के आकर्षण को हम छोड़ देंगे। तो आज सारा दिन हम अशरीरी होकर परम धाम में बाबा के पास चलेंगे। मैं आत्मा यहाँ से निकल कर गई परम धाम में, बाबा को टच किया, उसके पास 10 सेकंड बैठ गई, फिर वापिस आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। एक बार बैठकर ये 10 बार ड्रिल कर लेंगे और ऐसी 5 बार अवश्य करेंगे तो योग बहुत सरल हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.